सॉरी, मालिश कर दिया। मम्मी कैसा लगा मालिश करके? अच्छा लगा। कितना? बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि तूने सारा काम कर दिया था ना घर का। मम्मी कैमरा इधर नहीं, इधर है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है कुंवर रावत के चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा ब्लॉग, मेरा आज का जो वीडियो है, आज भी संडे है। आज भी मैंने वीडियो बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, थोड़ी सी माफी चाहूंगी जो मेरे शब्द निकल रहे हैं उल्टे सीधे। तो आज जो मैं है, मेरे सिर पे आप देख रहे हो बहुत सारा ऑयल लगा हुआ है, बहुत सारा एकदम जिसको बोलते हैं भर के ऑयल लगा हुआ है। तो आज मैं अपने सिर पे एक ऐसी चीज लगाने वाली हूँ जिसको पहले मैंने एक महीने यूज करा, एक हफ्ते में दो बारी लगाया और मेरे बाल इतने अच्छे हो गए, बहुत ज्यादा अच्छे हो गए सच्ची में। फिर उसके बाद अब थोड़े से बाल मेरे टूट रहे हैं बहुत ज्यादा। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या लगाया, और जिसके बाल छोटे हैं, जिसके बाल झड़ते हैं बहुत ज्यादा, तो वो अपने सिर पे ट्राई करें, वो सच्ची में बहुत ज्यादा मतलब इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी आएगी। मेरे बालों में तो आई थी, सच्ची में आई थी, सीरियसली मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। और कुछ में पैसे खर्च करने की ज़रूरत भी है, उसमें हमारी कोई चीज़ में यूज़ भी हो सकता है और हम अपने बालों में यूज़ भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने सिर में क्या लगाने वाली हूँ और क्या मेरे बालों में, मतलब आपने मेरे बाल भी देखे होंगे, आप मेरी रील्स भी देख सकते हो, उसमें आप मेरे बाल भी देख सकते हो कि मेरे बाल लंबे हैं कि नहीं है। और जो मेरे बाल लंबे हुए हैं, वो मेरे बाल उसी चीज़ से लंबे हुए हैं, वो भी 1 मंथ में, 1 महीने में, सच्ची में मजाक नहीं कर रही, मेरे उसी से लंबे हुए हैं मेरे बाल। 1 महीने में मेरे पहले बाल इतने थे, मेरे छोटे में बॉय कट ही रहता था, मेरे बाल उसी से लंबे हुए हैं सीरियसली। तो अब मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ कि मैं वो चीज़ क्या है जो मैं लगाने वाली हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो अब मिलते हैं उस चीज़ के साथ, उस इन्ग्रीडियंट्स के साथ, उस जो मैं लगाने वाली हूँ मेडिसिन के साथ जिससे बाल लंबे होते हैं। तो अब मिलते हैं वहाँ पे। अच्छा, फ्रेंड्स, आपको 2 बाउल लेने हैं, फिर उसके बाद आपको 3-4 प्याज लेने हैं छोटे छोटे से, चाहे आपके पास बड़े हो तो 2 ले लेना। तो मैं 4 ले रही हूँ, 3 दिखाड़ा काम बिगाड़ा। तो अब मैं इनको काटूंगी चाकू से, ऑब्वियस बात है चाकू से ही काटते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं इनको जल्दी जल्दी काट देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि करना क्या है आगे जाके और कैसे इसको यूज़ करना है। मेरे को लगता है कि आपको पता होगा, बट मैं अपने जो मेरे को एक्सपीरियंस है इनके साथ, प्याज के रस के साथ, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये कटने वाले हैं, अब जल्दी जल्दी से आप उसको काटते हैं। एक लास्ट रह गया, कट जा, कट गया। सॉरी फ्रेंड्स, ये ख़राब निकला, आप देख ही सकते हो। वैसे इसको मैं, मेरे को सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत है नहीं है, बट तब भी अजीब लगता है देखने। फाइनली अभी कट चुका है पूरा का पूरा प्याज, अब हम देखते हैं आगे क्या करना है। फ्रेंड्स, अब इसको हम जल्दी से मिक्स कर देते हैं, प्याज को ग्राइंड कर देते हैं फटाफट से, उसके बाद बताती हूँ क्या करना है। ये ग्राइंड होने वाला है, हो गया, ये हो गया, ये ग्राइंड हो गया। देखो आप, ये पूरा अच्छे से पिस चुका है। अगर हम इसको नॉर्मली हाथ से ऐसे करेंगे तो इतना पूरा बारीक नहीं होगा, तो इससे अच्छा ग्राइंड करो तो उसमें ज़्यादा बेस्ट रहता है, उसमें ज़्यादा रस भी निकल जाएगा ज़्यादा बारीक होने में। मैं हाथ से कर रही हूँ, अगर आपको चम्मच से करना है तो आप चम्मच से कर सकते हो, अगर आपको आगे यूज़ करना है वो प्याज सब्ज़ी वगैरह में। मैं हाथ से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे यूज़ नहीं करना है, दैट्स वाई। पूरा अच्छे से निकालना, कहीं छोड़ना मत प्याज को, पैसे लगे हैं भाई प्याज पे। तो अब इसको एक अलग से कटोरी लेनी है, साफ वाली लेनी है, और उसके अंदर ये चाय वाली वो डालनी है चाय के साथ। फिर इसको मैं हाथ से कर रही हूँ, आप चम्मच से कर सकते हो, वैसे चम्मच से करना ज़्यादा बेस्ट रहता है क्योंकि चम्मच से ज़्यादा अच्छे से निकल जाता है, दबता है तो उससे। तो ये अभी आप रस देख रहे होगे नीचे कितना रस निकल चुका है, वैसे अभी थोड़ा सा और ज़्यादा निकलेगा। इसको हफ्ते में 2 बार ही लगाना है, मैक्सिमम तो ज़्यादा बोल नहीं सकती मैं, मतलब कम से कम इसको हफ्ते में 2 बार तो लगाना ही है। एक हफ्ते में एक बार भी लगा सकती हूँ, पर मैं एक हफ्ते में 2 बार ही लगाती हूँ, और महीने में मतलब जितना होता है उतना लगा लेती हूँ। पर इसको मैं लगातार 3 महीने तक लगाऊंगी क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा मतलब टूट रहे हैं। अब देखते हैं इससे क्या इम्प्रूवमेंट होता है, अगर इम्प्रूवमेंट होगा तो मैं पक्का आपको बताऊँगी कि मेरे बाल फिर दोबारा बढ़े कि नहीं बढ़े, झड़ना कम हुए कि नहीं हुए। तो अब ये देखो कितना रस निकल चुका है। इसको सिर्फ आपको जड़ों में लगाना है, ज़्यादा ये नहीं कि पूरे बालों तक लगा देना, सिर्फ जड़ जड़ में लगाना है इसको अंदर। तो मैं अपनी मम्मी को परेशान करूँगी जल्दी से जाके कि मम्मी मेरे सिर पे वो लगाओ, मेरी मम्मी काम कर रही है, मम्मी को काम करने नहीं दूँगी, पहले मम्मी से ये लगवाऊँगी। तो अब ये देखो इसको अब अलग से साफ उसमें निकालना, मैंने ये पूरी छन्नी जो है धोई है पहले, उसके बाद इसको साफ उसमें निकालना,
फिर उसके बाद डालना, क्योंकि ना उसमें प्याज के थोड़े थोड़े वाइट वाइट रह जाते हैं तो बालों में रह जाते हैं, उससे ये ना फिर वो डैंड्रफ टाइप का लगे, तो इसलिए इसको साफ उसमें कर लेना एक बारी। सॉरी मालिश कर दिया। मम्मी कैसा लगा मालिश करके? अच्छा लगा। कितना? बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि तूने सारा काम कर दिया था ना घर का। मम्मी कैमरा इधर नहीं, इधर है। ठीक है, अब मेरे को बैठने दे दो मिनट, मैं खाना बनाऊंगी अभी। तब तक फटाफट से मैंने वो लगा लिया, आधा घंटा रखना पड़ेगा तेल। आधा घंटा नहीं, एक घंटा रखते हैं। एक घंटा रखना पड़ेगा सिर पे, उसके बाद 2 बजे लगाया अभी। 2 बजे लगाया, पूरा 1 घंटा रखेगी, उसके बाद नहाएगी, फिर खाना मिलेगा, उससे पहले खाना नहीं मिलेगा क्योंकि मेरा काम रुका है ना। अब मेरे को हफ्ते में 2 बार लगाना पड़ेगा, 2 बार हफ्ते में, तो 2 बजे में तो अब वीडियो मिलेगी आपको। मेरी मम्मी को परेशान करती रहेगी, मेरे को ऐसे परेशान करती रहेगी। अब तो जिस दिन छुट्टी होगी बस बोलेगी मेरा सिर पर लगाती रहे, लगाती रहे। चलो ठीक है, बाय, मेरे को काम करने दे अब। चलो बाय, खाना बनाने दो मेरे को, ठीक है, बाय। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने सिर पे तेल लगा लिया है और मालिश कर ली है। मालिश करके जो मज़ा आया ना फ्रेंड्स, क्या मज़ा आया ना, मैं आपको बता नहीं सकती, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि इतना मज़ा आया मालिश करके। मतलब ठंडा ठंडा भी लग रहा है और स्मेल वगैरह मेरे को तो लगती है नहीं है, और मतलब बहुत ठंडा ठंडा भी लग रहा है और बहुत मज़ा सा आया। एकदम मालिश होगी ना अच्छे से सिर पे। और रात को जब आपने ये लगाना होगा, मतलब प्याज का जो रस लगाना होगा, तो इससे पहले आप क्या कहते हैं, रात को आप सिर पे सरसों का तेल लगा के सोना, फिर उसके बाद सुबह उठ के 1 घंटे के लिए, 1 घंटे तक ये मतलब जो रस है प्याज का, तो वो लगा के रखना, उसके बाद हेड वॉश कर लेना। कोई कोई मेरा लगा के सो जाता है, तो लगा के ना सोए इतना वो है नहीं है, तो 1 घंटे लगा लोगे तो वो बहुत है। मैं 1 घंटे ही लगाती थी पहले। तो मेरे बाल देख सकते हो,
बहुत टूट रहे थे मेरे बाल, तो मैंने इसलिए अपने बालों पे लगाया ही। तो बाय फ्रेंड्स, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी वीडियो कैसी लगी है बताना ना भूले, और मेरी मम्मी ने जो मालिश करी और जो मेरा नुस्खा था घरेलू नुस्खा, तो वो आपको कैसे लगा, और आप ही लगाना और आप मेरे को बताना कि आपके बालों में असर हुआ कि नहीं हुआ। सच्ची में बाहर पैसे खर्च करने से अच्छा है कि आप ही घर पर लगा लो, जो एक इतना सा ऑयल आता है, अनियन ऑयल आता है, तो वो इतना महंगा आता है, तो इससे अच्छा आप घर पर लगा लो। और जितना प्याज बचेगा वो आधी सब्जी में भी यूज़ हो जाएगा और आधा सिर के लिए भी यूज़ हो जाएगा। मैंने थोड़ा हाथ से करा था क्योंकि मेरे को आगे यूज़ नहीं करना था वो प्याज, तो इसलिए आप एक स्पून से, एक चम्मच से मतलब दबा के ऐसा कुछ कर सकते हो, मतलब ताकि वो प्याज मतलब गंदा ना हो, तो साफ रहे, सब्जी में यूज़ हो जाए। तो इसलिए आपको जैसा करना होगा वैसे कर लेना, एज योर विश। बाय। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड्स। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, इन्जॉय योर संडे, बाय।